अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है, अगर आप देख रहे हैं बात मलिक यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट का तार हॉस्पिटल औरंगी टाउन कराची की नई आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल से गाइड करूँगा कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, कौन कौन सी वैकेंसी देखने मिल जाती है, और उसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर वॉक इंटरव्यू में जाना जाएंगे आप, और इसमें आपको कोई किसी किस्म का टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो आपको ये जो सामने है, ये टोटल 35 पोस्टें हैं, इनमें आपको जो है आपको वॉक इंटरव्यू देखने को मिल जाता है, और इसी काबिलियत आपको मैट्रिक से इंटरमीडिएट तक देखने को मिल जाती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको नई आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी वो टाइम पर देखने को मिल जाएगी, और आप उस पर जल्द से जल्द अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली वैकेंसी आ जाती है स्टेनोटाइपिस्ट की, BPS 14 इसका स्केल है। एक नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यानी एक है, 18 से 28 आपकी उम्र होनी चाहिए। इंटरमीडिएट बाद टाइपिंग शॉर्ट हैंड कोर्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग करना आप जानते हो। दूसरे नंबर पे अकाउंट असिस्टेंट की, उसका स्केल है 11, एक वैकेंसी है। उम्र वैसे ही 18 से 28 सालों में तकरीबन 18 से 28 साल है, और BCom आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर स्किल्स आपको पता होने चाहिए। तीसरे नंबर पर पर्ची क्लर्क आ जाते हैं, उसका स्केल भी 11 है और वैकेंसी टोटल एक है। इंटरमीडिएट आपको आना चाहिए विद टाइपिंग कोर्स, यानी कि आपके पास टाइपिंग कोर्स हो और कंप्यूटर स्किल का आप जानते हो। और चौथे नंबर आ जाती है स्टीवर्ड की, और उसका स्केल जो है वो 11 है और उम्र भी इसके भी 18 से 28 साल है। ग्रेजुएट होने चाहिए, स्टीवर्ड कोर्स भी आपके पास, या स्टीवर्ड कोर्स या ग्रेजुएट आप होना चाहिए। उसके बाद आते सिटी स्कैन टेक्नीशियन, उसकी वैकेंसी का स्केल जो है वो है 9, टोटल वैकेंसी एक है। 18 से 28 साल, मैट्रिक साइंस डिप्लोमा के साथ आपके पास होना चाहिए। सिटी स्कैन का डायलिसिस टेक्नीशियन है, उसके लिए भी स्केल आपको 9 देखने को मिल जाता है, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो एक है और उम्र वही है, मैट्रिक साइंस में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ETD टेक्नीशियन की है, उसमें भी आपको मैट्रिक साइंस प्लस डिप्लोमा और वैकेंसी टोटल एक ही है। और उसके बाद आता है इको टेक्नीशियन, उसके भी 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ICU में भी यही है, बस पोस्ट जो है आपकी 3 है, बाकी आपके पास वही डिप्लोमा होना चाहिए। OT में भी आपके पास एक पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के साथ। 11वें नंबर पर आ जाए डिस्पेंसर, उसके लिए भी आपको डिस्पेंसर या डायरेक्टर, तो उसका भी स्केल 9 ही है और आपके पास जो है 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसियाँ 4 हैं। मैट्रिक साइंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक मैट्रिक विद डिप्लोमा, OT असिस्टेंट, मिडवाइफ, जूनियर स्टोरकीपर इन इमाम मस्जिद, एक्सरे अटेंडेंट, फिल्टर, ये सारा आपके पास मैट्रिक प्लस डिप्लोमा। इमाम मस्जिद में आपके पास मैट्रिक प्लस हाफिज़ कुरान एंड कारी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 19वें नंबर पर आया मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, कम अज़ कम जो इसका स्केल है वो है 3 और वैकेंसियाँ टोटल हैं 2, 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। OT अटेंडेंट की वैकेंसी आ जाती है फिर 20वें नंबर पर, उसके लिए स्केल है वो 3 है और 5 आपकी टोटल वैकेंसी है, 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है वार्ड बॉय, 21वें नंबर पर, उसके लिए 3 स्केल है और 2 वैकेंसियाँ हैं, मैट्रिक 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एक्स अटेंडेंट मैट्रिक साइंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, स्केल इसका भी 3 है। उसके बाद आया या दाई आ जाती है, तो उसका स्केल जो है यहाँ पे 2 देखने में जाता है, और इसमें यहाँ पे उन्होंने 16 वैकेंसी दी हैं और इसमें भी आपको मैट्रिक मांग रहे हैं, 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कुक आप उसके बाद आ जाता है, 2 दूसरा स्केल उसको दिया जाता है, और साथ में एक वैकेंसी 18 से 28 साल, मिडल। तो यहाँ पर आगे जो आ रही हैं वो सारी मिडल की हैं, तो उसमें आपको आया देखने मिल जाती है, कुक देखने मिल, आया का स्केल यहाँ पे 1 देखने मिल जाता है, दोबारा जो आया दाई आ रही है उसका 1 स्केल देखने मिल जाता है, और मिडल है आपकी, आपके जो है मिडल आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है चौकीदार, कुक, लोल लेबोरेटरी और नायब कासिद, वार्ड बॉय और एक्सरे अटेंडेंट, और ये सैनिटरी वर्कर ओनली फॉर नॉन मुस्लिम मेल एंड फीमेल, यहाँ की नॉन मुस्लिम के लिए आपको देखने मिल जाती है। उसमें आपको तालीम जो भी हो, पढ़ा लिखना हो, पढ़ा लिखना यहाँ पर तालीम कोई हद नहीं दी गई है, बाकी जो है आपको ये वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से जाके इसको आराम से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, आपके जो मुताबिक वैकेंसी है आपने वो उसको देख लेना है और अपने उस पर अप्लाई कर देना। इसमें डायरेक्ट अपने वर्क इंटरव्यू में जाना है, यहाँ पर कोई टेस्ट देखने का आपको नहीं मिल जाता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।